हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें हम देखेंगे आपका करियर, मनी, हेल्थ एंड मैरिज से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं। ऑल्सो ये रीडिंग है 1 वीक की, 22 जुलाई से 28 जुलाई तक की, ठीक है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके देखूंगी मैं, कुछ नेक्स्ट 5-7 दिन की। ये वीकली रीडिंग ज़्यादा पसंद आती है या 10 डेज की रीडिंग ज़्यादा पसंद आती है, हेक्टिक क्या होता है मेरे लिए, तो अभी पक्का नहीं है कि मैं 7 डेज ही करती रहूं, बट लाइक ट्राई करके देखते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं 22 जुलाई टू 28 जुलाई की वीक के लिए। करियर के क्या मैसेजेस हैं, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं 22 टू 28 जुलाई, 22 जुलाई वाला वीक के लिए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए। करियर, हेल्थ, मनी, मैरिज 22 जुलाई वाले वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। ओके, देखिए एरीज, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, डेफिनेटली आपका कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है या कोई नई जॉब मिल सकती है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, इफ इट्स नॉट लाइक अ 9 to 9 जॉब एंड आपका बिजनेस है, तो आपको डेफिनेटली कोई नई बिगनिंग हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है आपके काम में। मे बी कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा हो, नया फ्रीलांस वर्क मिल रहा हो, नए क्लाइंट्स आ रहे हो, व्हाटएवर इट इज, नए प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली नई बिगनिंग्स आ रही हैं, नई चीजों की शुरुआत हो रही है, ग्रोथ है, एक्साइटेड हो आप काफी इस काम को लेकर, ठीक है। तो 22 से 28 के बीच में आपका नए काम की शुरुआत हो सकती है, और अगर आप 9 to 9 जॉब करते हो तो डेफिनेटली आप शायद जिस तरीके की जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे या जो आपकी एक विश थी कि हाँ मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, मेरी इसमें जॉब लग जाए या मुझे इस कंपनी से कॉल आ जाए, इंटरव्यू आ जाए, तो आपका वो प्रोसेस थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है, या फिर आपकी नई जॉब भी लग सकती है या जॉब का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है जैसा मैंने बोला। बट डेफिनेटली नई जॉब, नई नया बिजनेस, नया काम, नया सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली आपका आ रहा है करियर से रिलेटेड अगर हम देखें तो। मनी से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है आपका, क्योंकि नया काम आ रहा है हमारे पास। देखिए यहाँ पे अगेन पेज ऑफ कॉइन्स वापस आ जाता है, एस ऑफ वॉन्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स, करियर वाले जो कार्ड्स हैं, क्योंकि आपकी नई जॉब लग रही है या नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो जब कोई नया काम आएगा तो उससे पैसा भी आएगा। काम इज व्हाट, काम इज सोर्स ऑफ इनकम ओनली, राइट। तो आपका पैसा बढ़ रहा है, ग्रोथ दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रही है, ज्यादा पैसा आता हुआ दिख रहा है, मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, तो पैसा तो आपके पास डेफिनेटली आ रहा है। बट मुझे ऐसे लग रहा है किसी चीज को लेकर ना आप काफी कॉन्टेम्प्लेट कर रहे हैं, ठीक है। 22 वाले वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जिसको लेकर आप काफी सोचें कि ये करना है या नहीं करना है, मे बी इस नए क्लाइंट के टुवर्ड्स जाना है या नहीं जाना है, या ये नई जॉब लेनी है या नहीं लेनी है। अब जॉब मिल रही है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप उनको चूज करते हैं या नहीं करते हैं वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, तो कॉन्टेम्प्लेशन मुझे दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी है पैसा आने का, जॉब आने का, बिजनेस आने का, एक्सपेंशन का, बट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो आप या नहीं, क्योंकि मुझे ना थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े थके हुए हैं एंड आप या तो रेस्ट करना चाहते हैं, ब्रेक चाहते हैं, यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड एंड यू आर ऑल्सो लाइक कि हाँ ठीक है पैसा तो मुझे मिलेगा इस नए काम से, बट मैं बहुत थक गया हूँ, सो शुड आई टेक अप दिस न्यू वर्क, शुड आई टेक अप दिस न्यू जॉब, विल इट बी गुड फॉर मी और नॉट, तो वो वाला थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन मुझे दिख रहा है। करियर, मनी, देखिए मैरिज में मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ यू गाइज आर मैरिड, ठीक है, मैरिड या मैरिज वाला सेपरेशन, डिवोर्स जो भी है, मैरिड वाला अगर सिनेरियो है, तो आपका ना यू आर प्रोबेबली ब्रेकिंग टाइज 22 वाले वीक में। आपको रियलाइज हो रहा है दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट एंड मे बी इट्स नेवर गोइंग टू वर्क आउट बिकॉज अब टाइम जा चुका है, चांस जा चुका है, एंड यू नो लाइक वो एक कहते हैं ना, अब ट्रेन निकल गई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब
बोट पूरी डूब चुकी है, तो डूबी हुई बोट वापस ऊपर नहीं आ सकती है। तो वो वाली थोड़ी सी मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको ये रियलाइजेशन होगी दैट अब रॉक बॉटम आ चुका है किसी सिचुएशन का, एंड नाउ देर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो इट्स बेटर कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के हम चीज खत्म कर दें। एंड आप वो फुल स्टॉप लगा के एंडिंग करोगे इस मैरिज की, यू विल एंड इट और प्रॉब्ली यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। साइमल्टेनियसली आपका किसी और के साथ रियूनियन हो रहा है, मे बी कोई आपके बचपन के फ्रेंड थे उनके साथ रियूनियन हो रहा है, एंड आप लोग अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज डिस्कस कर रहे हो या यू नो लाइक बात कर रहे हो, और मे बी उनके साथ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, मे बी आपके चाइल्डहुड के कोई गर्लफ्रेंड थी, क्रश था कोई, एंड उनसे आप वापस मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी सिनारियो हो सकता है किसी के लिए। एंड किसी के लिए ये भी सिनारियो हो सकता है कि मे बी ये जो इंसान है ये आपके बचपन के ही दोस्त थे जिनके साथ आपका रीयूनियन हुआ था, एंड आप उनके साथ आए थे, प्लेटोनिक हो या रोमांटिक हो या फिजिकल हो, जैसा भी रिलेशनशिप हो, एंड यू आर रियलाइजिंग 22nd के वीक में दैट आई हैव टू एंड दिस थिंग, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट बिकॉज आई एम ऑलरेडी आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड दिस इज अ थर्ड पार्टी, तो मुझे इस चीज को खत्म करना है, वो भी चीज हो सकती है, या फिर आप मैरिज को खत्म करके किसी और से मिल रहे हैं जो कि आपका पुराना इंसान है। देखिए रोमांस का कार्ड है हमारे पास, तो चांसेस मुझे इस चीज के ज्यादा लग रहे हैं कि आप अपनी मैरिज पे फुल स्टॉप लगा के एंड देन यू आर मूविंग ऑन, एंड आपको कोई नया इंसान मिल रहा है, चाहे वो एज फ्रेंड ही मिले, बट उसके साथ आपका रोमांस आगे थोड़ा सा पनप रहा है, थोड़ा सा ग्रो हो रहा है, तो आप उसके साथ वापस उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप इस इंसान से दोबारा मिले हैं, बचपन का भी कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है जिससे आप दोबारा मिल रहे हैं, इनसे रीयूनियन के बाद इनको जानना पहचानना, दोबारा रोमांस स्क्रैच से स्टार्ट होना, डेट्स पे जाना, घूमना फिरना, वो चीज मुझे दिख रही है, बट मैरिज मुझे बहुत ही अच्छे उसमें नहीं दिख रही है। जहां तक बात है हेल्थ की, ट्रैप्ड फील कर सकते हैं आप डेफिनेटली। एक तो एक यूजुअल लाइक एक हेल्थ हमेशा ये नहीं होती है कि हाँ लिवर खराब हो गया या बुखार हो गया या कहीं चोट लग गई, हेल्थ आपकी मेंटल भी होती है। यहाँ पे मुझे मेंटल हेल्थ जो है ना वो ज्यादा दिख रही है प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। यहाँ पे एज सच कोई फिजिकल हेल्थ में आपके कुछ नहीं होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली यू विल बी वेरी एग्जॉस्टेड एंड मेंटली यू विल बी लाइक कि मैं फंसा गया हूँ, मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, एंड मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, एंड वो एक बंदिश सी होती है ना कि एंग्जाइटी एंड वो डिप्रेशन तो नहीं मैं बोलूंगी, डिप्रेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म, बट एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है कि मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूं, मैं ये अपने ही लूप में फंस गया हूँ, मैंने जो बोला था झूठ बोला था मैं उसी झूठ में फंस गया हूँ, या मैं शादी में फंस गया हूँ, तो वो अंदर ही अंदर आपके आपके दिमाग में ना कंटिन्यूसली चली चली जा रही है वो चीज, एंड उस वजह से आप और ट्रैप्ड फील कर रहे हो। आई एम नॉट श्योर कि वो ट्रैप्ड फीलिंग जो आपके दिमाग की जो ट्रैप्ड फीलिंग है जिस वजह से आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, हेल्थ खराब होने से मतलब लाइक काम पे ध्यान ना देना, प्रेजेंट में ना जीना, यू नो लाइक आप कुछ कर रहे हो बट ध्यान कहीं और है तो वो चीज खराब कर दोगे, तो वो वाली थोड़ी सी मुझे वाइब आ रही है। बट एरीज क्या चल रहा है, ओके अब हम देखते हैं टी लीफ टैरो फॉर्च्यून डेक्स है हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको रेकी हीलिंग करवानी है, आपके बॉडी में कोई फिजिकल एलिमेंट है, पीसीओडी थायराइड माइग्रेन हो गया या एक्ने इनडाइजेशन कुछ हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके चक्रा ब्लॉक्ड हैं एंड आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, मेंटल क्लैरिटी की कमी है, आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कभी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं, रेकी सेशंस होते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए देन वील वर्क ऑन इट। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, अगर आपको
लेट्स से आपकी नेगेटिव एनर्जीज, दूसरों की नेगेटिव एनर्जीज आपको बहुत जल्दी अफेक्ट करती हैं, नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत बहुत खराब होती है, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो हम आपको ऑरा स्कैनिंग, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइजेस ये सारी भी कर सकते हैं, जस्ट टू रिमूव द नेगेटिविटी एंड द नेगेटिव ऑरा दैट इज अराउंड यू या दूसरे की अगर नजर लगी है तो. बट आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए एंड देन बोथ ऑफ अस कैन प्रॉब्ली लाइक टुगेदर फिगर आउट आफ्टर द डिस्कशन कि आपके लिए कौन सी चीज बेटर रहेगी. ओके, एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? करियर, मनी, हेल्थ, मैरिज. 22nd वाले वीक के लिए एरीज, फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और व्हाइट हेयर. देखिए ये कोई गोरा इंसान हो सकता है, ठीक है, काफी गोरा, एंड इनके साथ आपकी कोई किसी तरीके की कोई तो डीलिंग होने वाली है. या तो देखिए आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई भी, कोई फ्रेंड हो सकते हैं. बट दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली फेयर. ओके, नॉट एक्सट्रीमली बट लाइक फेयर. ओके, वीटिश नहीं, सांवला नहीं, फेयर. एंड इनके या तो बाल कुछ ब्लॉन्ड ग्रे या व्हाइट हेयर के होंगे, व्हाइट कलर के होंगे, एंड मे बी या तो ये बहुत एजड हैं, दैट इज वाई इनके व्हाइट हेयर हैं, या फिर नॉर्मल एज के हैं. बट ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 22nd वाले वीक में. मे बी ये कोई नए क्लाइंट हैं, इनके थ्रू आपको नई जॉब मिल रही है, इनके या इस इंसान से आप रीयूनाइट कर रहे हैं, रीयूनियन हो रहा है आपका, जिनसे आप पहले मिले थे, एंड देन लाइक बचपन का वो वाला जो मैंने बोला था. बट आई फील 22nd वाले वीक में ये इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. मे बी ये आपको थोड़े से गाइडेंस दे कि तुम्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, एंड दिस इज गुड और दिस इज बैड. सो ये इंसान इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? प्लीज बताइए 22nd वीक के लिए, 22nd वाले वीक के लिए. करियर, हेल्थ, मनी, मैरिज. टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. देखिए सेम जेंडर के इंसान के साथ जो आपकी दोस्ती है, जो वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है. मे बी वो इंसान आपको, मे बी वो यही इंसान है, वेरी फेयर, ठीक है, एंड ऑफ द सेम जेंडर. बट इनके साथ फ्रेंडशिप या तो कोई बन सकती है, या वापस रीयूनाइट कर रहे हैं आप इनके साथ, या फिर ये आपको कोई ऐसी सजेशन या ऐसा एडवाइस दे सकते हैं विच माइट हेल्प यू लाइक काफी ज्यादा, ठीक है. तो ये इंसान के साथ आपका कुछ कनेक्शन, या शायद घूमने जा रहे हैं, बट इस इंसान के साथ कोई मेजर हैपनिंग हो सकती है आपके और इनके बीच में इन द 22nd जुलाई वाला वीक. ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज. 22nd जुलाई वाला वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं? स्पियो, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव. देखिए एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई चीज नहीं है, कोई चीज थी बट अब वो चली गई है आपके पास से. मे बी इट्स अ पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और मे बी इट्स अ पर्टिकुलर जॉब दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और मैरिज, और इट कुड बी एनीथिंग. बट ऐसी कोई चीज है जो कि पहले थी और अब नहीं है, एंड क्योंकि वो नहीं है तो आप उस चीज को मिस कर रहे हैं, एंड उस चीज पे लाइक यू आर फीलिंग सैड अबाउट इट कि ये चीज क्यों नहीं है, ये चीज होनी चाहिए थी, और यू नो लाइक कैसे चली गई ये मेरी लाइफ से. तो आई थिंक यू आर क्राइंग एंड यू आर बींग सैड, यू फीलिंग सैड अबाउट समथिंग दैट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो ठीक है, कई बार इंसान रोता है बिकॉज उसको वेंट आउट करना होता है, उसको एक कहते ना एक फील करना होता है इमोशन को कि हाँ पहले तो मेरे पास ये था, वो इंसान था, अब वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो प्यार नहीं है, मेरे पास वो फ्रेंडशिप नहीं है. बट आई फील यहाँ पे इट्स लाइक अ गॉन केस. आप जितना इस चीज पे रोते रहेंगे उतना ही इट विल बी लाइक वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज रॉक बॉटम, चीज खत्म हो चुकी है, अब वो चीज ठीक नहीं हो सकती, आप उसमें कितना भी हाथ पैर मार लो, ठीक है. तो हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव एंड इट मेक्स नो सेंस. आई मीन यू कैन ऑफकोर्स ऑलवेज बी ऑनेस्ट कि हाँ मेरी गलती थी एंड क्यों नहीं है अब मेरे पास, बट देन इट इज समथिंग दैट यू डोंट हैव. तो अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ने का टाइम है. यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं
एरीज के लिए 22 जुलाई वाले वीक के लिए करियर हेल्ड में जग लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम थोड़ा सा ना आपको अपना मूड चेंज करने की जरूरत है 22 वाले वीक में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट गो आउट एंड हैव फन एंड नॉट बी सीरियस, नॉट टू नॉट डिस्कस एनीथिंग दैट इज वेरी हैवी. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी कहाँ गया, हाँ यहाँ पे भी हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स है. यू नीड रेस्ट. मैंने आपको पहले बोला था यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग अबाउट समथिंग कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, करूँ नहीं करूँ, किसी के पास जाऊँ, वहां से बाहर निकलूँ, नई जॉब जाऊँ, पुराने इंसान के पास जाऊँ, वट एवर. बट यू नीड रेस्ट. आपका बहुत सोचना और वो सारी चीजें काफी हो गई हैं. इट्स टाइम कि आप रेस्ट करो. एंड पेज ऑफ कप्स, रोमांस, जस्ट गोइंग फॉर डेट्स एंड हैविंग फन एंड एंजॉइंग लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 22 वाले वीक में आगे बढ़ने के लिए. लाइक इट विल हेल्प यू. ठीक है, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. एरीज, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ट्रिक. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.